नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल की बहुत बड़ी समस्या है आई साइट की वीकनेस, यानी दूर का ना दिखना, और हमारे तमाम लोग इससे परेशान रहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, वह नुस्खा करके मैंने लाभ पाया है, तो मैं आपको भी वह लाभ देना चाहता हूँ। बहुत पहले हमने नुस्खा कभी कहीं पढ़ा था और इसको हमने खुद पे करके देखा और हमने पाया कि यह वास्तव में बहुत बड़ा नुस्खा है। यह आपकी आँख को आराम देता है, आँख की रोशनी को बढ़ाता है, आँख को तेज करता है। मात्र 2 रुपये 1 रुपये के खर्चे का यह नुस्खा है प्रतिदिन, लेकिन यह वास्तव में आपको आराम दे देगा। आजकल की बहुत बड़ी समस्या आईसाइट की वीकनेस है। मैं समझता हूँ किसी स्कूल के बाहर आप खड़े हो जाएं, खास तौर से कॉन्वेंट स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, तो 10 में से 1 बच्चा आपको चश्मा लगाए दिखेगा, छोटा सा नर्सरी का बच्चा या केजी का बच्चा या फर्स्ट का बच्चा। तो यह एक आईसाइट बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आँख का ही सारा खेल है। दुनिया को हम लोग आँख के माध्यम से देख के अपने दिमाग तक ग्रहण करते हैं, और आजकल तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मोबाइल आ गया है, बहुत बड़ा फैक्टर टीवी आ गया है। टीवी तो अब कम हो गया, टीवी तो चलो फिर भी ठीक था, आदमी कम से कम 15-20 फीट की दूरी बना लेता था, लेकिन मोबाइल तो आधे फीट की दूरी, 1 फीट की दूरी से देख रहा है। और आजकल बच्चा लोग आते ही वीडियो गेम, स्कूल से आते हैं वीडियो गेम खेलने लगते हैं, और आप उनसे ले भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता बना लेते हैं, और इन सब प्रक्रिया में उनकी आँखें कमज़ोर होती हैं, आईसाइट वीक होती है, और वह परेशान होते हैं। और अभिभावक उससे ज़्यादा परेशान होते हैं। काफ़ी लोग लेज़र के लिए सोचते हैं कि लेज़र करा लें, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग कोई थेरेपी सोचते हैं, लेकिन कोई थेरेपी काम नहीं करती। जिसकी आईसाइट वीक है, उसकी आईसाइट वीक होती जाती है। हम आपको बताएंगे वीक होती आईसाइट को रोकने का जादुई नुस्खा, वह नुस्खा जो आपके बच्चों के चश्मे को छुड़ा देगा, अगर वह एक प्रीलिमिनरी स्टेज में है, अभी अभी उसको आँखें कमज़ोर ऐसी महसूस होती हैं। अगर बच्चे की आँखें वीक हैं, तो मैं एक बात आपको पहले बता देना चाहूँगा कि आप उसके चश्मा ज़रूर लगवा दें, फिर इस नुस्खे को करें, क्योंकि जितने दिन आप चश्मा लगाना उसका डिले करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी आईसाइट वीक होती जाएगी। और कोई भी चीज़ हो, थोड़ा वक्त लेती है, तो उसको आप करते रहिए बैकअप के तौर पर, लेकिन चश्मा ज़रूर लगवाइए। बताते हैं साथियों आपको एक बहुत छोटी सी बात, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है। आपकी आईसाइट को ठीक करने की, आँखों की रोशनी को बढ़ाने की, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस को ठीक करने की बहुत कारगर नुस्खा। आपको साथियों कुछ नहीं करना है, आपके हमारे सबके घर में सरसों का तेल होता है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि खाने को सरसों के तेल में ही पकाया करें। यह जो रिफाइंड है, इसको आप देख लीजिए गूगल करके, तमाम इसके विरोध में रिपोर्टें आ रही हैं। तो हमने अपने घर में पूरा खाना सरसों के तेल में पकाना शुरू कर दिया है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सरसों के तेल में खाना पकाएं। सरसों के तेल कुदरती होता है, और मतलब एक गांव का आदमी भी उसको ले आता है, वो मशीनों से नहीं गुजरता है, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है उससे वह तेल नहीं गुजरता है, बड़े क्रूड फॉर्म में होता है। तो अगर हिंदुस्तान में आज भी यह सुविधा है कि इतनी प्योर चीज़ें, जैसे हम लोग अपने कंपाउंडर से कहते हैं गांव से तेल ले आओ, वो गांव से अपने सामने सरसों खरीदते हैं और 5 लीटर तेल पिरवा के ले आते हैं, जो हमारा कुछ दिन चल जाता है। तो सरसों का तेल का खाने में इस्तेमाल करें, और देसी घी का करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी का करें, लेकिन मैं रिफाइंड का मैं विरोध करता हूं। इसकी तमाम रिपोर्टें मैं देखता हूं नेट पर, तो मेरे मन में उत्सुकता पैदा होती है कि पता नहीं है कितना ठीक हो, क्योंकि इसको कुदरत से निकली चीज़ को आपने उसको मॉलिकुलर फॉर्म में डिस्टर्ब करा है, उसको रिफाइंड करा, उसकी कुछ चीज़ों को हटाया, कुछ चीज़ों को लगाया है। तो जितना क्रूड फॉर्म में कुदरत आपके करीब हो, तो उतना अच्छा है। बहरहाल साथियों, चलते हैं, आपको बताते हैं वह नुस्खा जो आपके बच्चों की आईसाइट को बढ़ा देगा, बच्चों की आईसाइट को ठीक कर देगा, उनकी मायोपिया की कंडीशन को ख़त्म करने में आपको मदद करेगा। आपको बहुत छोटा सा काम करना है, रात में जब आप लोग लेटें, तो अगर बच्चे को करना है या किसी को लेटे, तो उसके पैर के तलवे में, फुट के सोल में सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल से मालिश कर दें। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इसका भीषण इफेक्ट देखेंगी,
फायदेमंद रूप में। इसका एक बहुत विकराल इफेक्ट होगा आपके बच्चे की आईसाइट पर, क्योंकि सारी नर्व एंडिंग्स आपके पैर की फुट तक जाती हैं। तो जो एक्यूप्रेशर की एक तरह से यह विधि है, एक तरह से एक्यूप्रेशर की विधि है जो कि चाइना में ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है, और उसको अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति के मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल से जोड़ दें तो इफेक्ट 10 गुना हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आपको दो चीज़ें जब एक साथ मिल गई तो एक और एक हमेशा 11 होता है। और इसीलिए हम ये दुआ भी करते हैं, ये प्रे करते हैं, विश करते हैं कि इस दुनिया को देखने वाला जो पर्दा होता है, ये आँखों का स्क्रीन होता है जो दुनिया का रंगमंच को देखता है, दुनिया के बदलते लोगों को देखता है, दुनिया के बनते लोगों को देखता है, आपस के लोगों को देखता है, दूर जाते लोगों को देखता है, वह सब कुछ ताजीवन आपके बच्चे और आप में साफ साफ देखता रहे, उसके लिए यह प्रयास है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, जब भी आपको रात में आप लोग लेटें तो अपने पैर के तलवे में, फुट के सोल में 10 मिनट 5 मिनट सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से मालिश कर दें। और जिन हमारे दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के बच्चे चश्मा लगाते हैं, उनको आप ये एक महीना करिए और फिर हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइए कि उनकी आई साइट डिक्रीज हुई कि नहीं। आप उनका पिछली रिपोर्ट करिए और फिर उसको एक महीने बाद उनकी आई साइट को चेक कराइए। हम उम्मीद करेंगे और यह उस उम्मीद को पूरा करने में कारगर बात है जो हमने आपको बताई है कि पैर के तलवे में आप मस्टर्ड ऑयल मल लीजिए। आप एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक मेडिसिन, मस्टर्ड ऑयल को यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन कह रहे हैं, सरसों के तेल को, यह दोनों चीज़ें एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके बच्चे की आईसाइट को इंक्रीज कर देगी। हमें आप कमेंट पोर्शन में, मैं फिर कहूँगा, लिख के ज़रूर बताइएगा। हमें प्रसन्नता होगी अपने इस वाक्य जो हमने आपको बताया है, जो कई सारे वाक्य बताए लेकिन एक ही इम्पॉर्टेंट वाक्य था कि आपको पैर के रात में 10 मिनट सरसों के तेल से अपने बच्चे के पैर के तलवे में मालिश करनी है। तो हमारा यह प्रयास कारगर हुआ, यह हमको कमेंट पोर्शन के रूप में पता लग जाएगा। अगर साथियों आपको यह हमारी बात अच्छी लगी, बहुत छोटी सी बात थी, एक रुपये की बात थी, लेकिन यह मैंने बताया दुनिया के रंगमंच को बदलते लोगों, बनते लोगों, अपने लोगों, पराए लोगों, उठते लोगों, गिरते लोगों और अपनी तरक्की के लिए यह जो नुस्खा है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप करके अवश्य देखें और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम ग्रुप में शेयर करें और इस समाज को इसका लाभ दें। और आप अगर इसको शेयर करेंगे तो हमें भी कुछ लोग जान जाएंगे। मैं आपका आभारी रहूँगा आपका हमारे साथ रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं और लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।